रियाज ने अपने अनफेयर एविक्शन के बाद एक और बड़ी बात कह दी है बिग बॉस मेकर्स के लिए। बल क्या कुछ कहा है उमर रियाज ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के दौरान, पूरी अपडेट हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने मुझे अब तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, @मंडल सृष्टि के नाम से मौजूद हूँ। वल आपको बता दूँ, जिस तरह से बिग बॉस सीजन 15 के घर में अनफेयर एविक्शन हुआ है उमर रियाज का, उमर रियाज ने लगातार घर से निकलने के बाद अपने लिए स्टैंड लिया है और सारी बातों को ऑडियंस के सामने रखा है कि किस तरह से बिग बॉस मेकर्स गेम खेलते हैं एक रियल कंटेस्टेंट के साथ। जी हाँ, फिर से उमर रियाज ने एक और बड़ी बात कह दी है, जहां उमर रियाज कहते नजर आए हैं कि हफ्ते दर हफ्ते मैं यही सोचता था कि मुझे इस गेम में आने के बाद क्या ये रियलाइजेशन हुई है कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है। हाँ, उन्होंने बिग बॉस का हिस्सा खुद को रखने के लिए अपने आप को हर हफ्ते कोसा है, जहां हर हफ्ते वो कहते नजर आए कि जिस तरह से हर हफ्ते मैं अपने आप को मोटिवेट करता था कि अब मुझे इस गेम को प्रॉपर तरीके से खेलना है, अच्छे तरीके से खेलना है, वहीं पर अब हर हफ्ते दर हफ्ते मुझे वीकेंड के वार पर ये रियलाइज कराया जाता था कि मेरा जो रियलिटी है, मेरा जो गेम खेलने का तरीका है वो बिल्कुल गलत है और मैं भी गलत हूँ। तो ये हफ्ते दर हफ्ते मैंने कोई गलती की ना की हो, लेकिन मुझे हमेशा ये एहसास दिलाया जाता था जिस तरह की जैसे सभी कंटेस्टेंट्स ने हाथ उठाया, सभी कंटेस्टेंट्स फिजिकल हुए, लेकिन मेरे फिजिकल होने पर मुझे एविक्ट किया गया। तो कहीं ना कहीं ये बातें सच भी हैं, लेकिन आपका क्या कुछ कहना है उमर रियाज की इन बातों को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट और बिग बॉस से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।